गाइज आ जाने वाले अपने इंडियन बैंक ड्रीम 30 गेम का अपडेट, क्योंकि गाइज जैसे कि आप सभी को पता है इस गेम के डेवलपर ने बोला था इसका जो न्यू अपडेट है वो 5th मार्च को आएगा। तो भाई आज है 5th मार्च, तो भाई आ जाने वाला इस गेम का अपडेट, लेकिन कितने बजे आने वाले गाइज ये अभी तक किसी को नहीं पता है। जी हाँ भाई, अभी किसी को भी नहीं पता चल पाया इसका जो अपडेट कितने बजे आएगा, लेकिन भाई मुझे पता चल चुका है। जी हाँ गाइज, इस गेम के डेवलपर ने बता दिया इसका जो न्यू अपडेट है कितने बजे आने वाला है आज। तो गाइज आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ इस गेम को जो न्यू अपडेट है कितने बजे आएगा, न्यू चीट कोड भी बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को जो जिसके न्यू अपडेट में आने वाले हैं। तो गाइज आज की जो वीडियो होने वाली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो को पूरी एंड तक देखना, और अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और गाइस मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके तो गाइज अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ न्यू अपडेट में क्या क्या आने वाला है पहले, फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसका जो न्यू अपडेट है कितने बजे आने वाला है। तो सबसे पहले गाइज बढ़ते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। तो गाइज जो अपना फर्स्ट अपडेट होने वाला है वो होने वाला है गाइज अपना पुलिस स्टेशन का अपडेट। जी हाँ गाइज, अभी देखो मैं चलता हूँ पुलिस स्टेशन पर अपनी लैम्बोर्गिनी की कार से, और पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ पुलिस स्टेशन पर जो है आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा न्यू अपडेट करने के बाद। देखो गाइज मैं आ चुका हूँ अपने पुलिस स्टेशन के अंदर, और भाई यहाँ पर का सीन कुछ ऐसा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो है पुलिस वाले आ चुके हैं अपने पुलिस स्टेशन के अंदर। और भाई गाइज आप लोग जो है सेकंड फ्लोर पर भी जा सकते हो, ये देख सकते हो यहाँ पर जो स्टेयर से वो भी खुल चुकी है, और गाइज यहाँ पर देखो कैदी भी बैठा है अपने जेल के अंदर, और यहाँ पर नॉर्मल एनपीसी भी बैठा है। मतलब गाइज अगर आप लोग गेम को अपडेट कर लोगे ना तो आप लोगों को जो है सब कुछ देखने को मिलने वाला है अपने पुलिस स्टेशन के अंदर। तो गाइज चलो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ओके तो गाइज नेक्स्ट अपना अपडेट होने वाला है वो होने वाला है गाइज बाइक का अपडेट। गाइज आप सभी को पता है अपने इंडियन बाइक ट्रेन 30 के गेम में एक बाइक आती है जो कि है पल्सर RS 200 बाइक, जिसका चीट कोड अपना 5000। तो भाई ये जो बाइक है ना अब ये रिमूव होने जा रही है। जी हाँ गाइज, इस बाइक को जो इस गेम के डेवलपर ने हटा दिया है, इसकी जगह न्यू बाइक ऐड कर दी है। और वो पता है न्यू कौन सी है गाइज? न्यू भी वो यही है, मतलब यही बाइक है वो पल्सर RS 200, बस इसका जो है दूसरा मॉडल ऐड कर दिया है। अब मैं आप लोग को दिखा देता हूँ वो कैसी है गाइज, आप लोग देख सकते हो कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है इस बार की अपनी पल्सर RS 200। इसका दूसरा मॉडल है जो कि टॉप मॉडल है, और भाई देखो कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है अपने पहले से, तो बेटर हो चुकी है यहाँ पर अपने पल्सर RS 200 बाइक। तो ये भी गाइज न्यू अपडेट में देखने को मिलने वाली है, उसका जो चीट कोड रहेगा वो अपना वही रहेगा 5000, क्योंकि ये रिप्लेस हो रही है ना कि अलग से ऐड हो रही है। ठीक है गाइज, तो इसका चीट कोड 5000 रहने वाला है अपना पल्सर RS 200 बाइक का चीट कोड। तो बाकी चलो गाइज बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ओके तो गाइज नेक्स्ट अपना अपडेट होने वाला है वो होने वाला है गाइज थार का अपडेट। जी हाँ गाइज, आप सबको पता है अपने इंडियन बाइक ट्रेन 30 गेम में जो है थार आती है जिसका चीट कोड अपने 9090, लेकिन भाई इससे स्पॉन होती है मॉडिफाइड थार। लेकिन भाई आप लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे बहुत टाइम से कि भाई ये जो अपनी मॉडिफाइड थार है ना इसको हटाइए, इसकी जगह न्यू थार ऐड करिए, क्योंकि थार जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तो हाँ गाइज ये थार जो है मुझे भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, मैंने जो है आप लोगों के लिए न्यू थार ऐड करवा दी। अब दिखा दूँ कौन सी थार है वो गाइज, वो है अपनी ये। देखो गाइज यहाँ पर मैंने 9090 डायल किया, और भाई यहाँ पर स्पॉन हो चुकी है अपनी न्यू थार जो कि हमें बहुत पहले देखने को मिलती थी। ये वाली थार जो है ना गाइज हमें पहले देखने को मिलती थी अपने पहले वर्जन में। तो भाई ये थार जो वापस से आने वाली इस गेम में, अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोगों की थार कैसी लग रही है। भाई मुझे तो बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही है, अभी देखो मैंने ब्लैक कलर में कर दिया, ब्लैक में तो बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही है। तो ये थार भी गाइज आप लोगों को न्यू अपडेट में देखने को मिलने वाली है। अब इसका जो चीट कोड रहेगा गाइज वो रहेगा 9090। तो भाई चीट कोड में देखो आप लोगों को पहले ही बता रहा हूं अपडेट आने से पहले, तो इसलिए जल्दी से फटाफट लाइक कर दो अगर अभी तक भी लाइक नहीं किया। तो भाई देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को चीट कोड बता रहा हूं यहां पर, तो इसलिए फटाफट लाइक करके सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो चलो गाइज अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ओके तो गाइज नेक्स्ट अपना अपडेट होने वाला है वो होने वाला है सुपर कार का अपडेट। जी हाँ गाइज, सुपर कार का अपडेट होने वाला है, क्योंकि भाई आप सभी को पता है जो अपना लास्ट अपडेट आया था उसमें जो है कोई भी सुपर कार नहीं आई थी, उसमें सिर्फ जो है नॉर्मल कार आई थी। और जब अपना सेकंड लास्ट अपडेट आया था उसमें भी सिर्फ कोई भी सुपर कार नहीं आई थी, सिर्फ एक नॉर्मल कार आई थी जो की थी अपने बुलेरो। लेकिन भाई अब आप लोग जो जो है बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं भाई हमारे लिए इसमें सुपर कार को ऐड करवाइए, क्योंकि बहुत टाइम से जो है इसमें सुपर कार ऐड नहीं हुई है। तो गाइस इस बार को जो अपडेट आने वाला है ना उसमें आप लोगों को सुपर कार भी देखने को मिलने वाली, जो कि होने वाली अपनी निशान GTR। दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को निशान GTR कार होती कैसी है। गाइस आप लोग देख सकते हो फोटो में जो निशान GTR कार है ये आप लोगों को अपडेट में देखने को मिलने वाली है, और भाई देख सकते हो कितनी ज्यादा सही लग रही है। भाई ये सुपर कार है, एक नंबर लग रही है ये। तो गाइस ये कार जो है आप लोगों को अपडेट में न्यू अपडेट में देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं इसका चीट कोड क्या है गाइस, इसका चीट कोड जो है वो आप लोगों को इस वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। तो चलो गाइस बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ओके तो गाइस नेक्स्ट अपना अपडेट होने वाला है वो होने वाला है गाइस जुरासिक पार्क का अपडेट। अभी देखो मैं कहां पर हूं, मैं अपने न्यू हाउस पर हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं जुरासिक पार्क जो हमें कहां पर देखने को मिलता है गाइस। अगर आप लोग जुरासिक पार्क पर जाना चाहते हो तो आप लोग क्या करना है गाइस, आप लोग सबसे पहले आना होगा ट्रेन स्टेशन पर गाइस। ट्रेन स्टेशन की जो लोकेशन है वो तो सभी को पता है, तो चलो चलते हैं ट्रेन स्टेशन पर, और फिर मैं आप लोगों को दिखा देता हूं जुरासिक पार्क में आप लोग क्या देखने को मिलेगा।
ऑल राइट गाइज, मैं आ चुका हूँ अपने ट्रेन स्टेशन पर और बात करते हैं जुरासिक पार्क की। तो जुरासिक पार्क के देखो गाइज ट्रेन स्टेशन के बिल्कुल बगल में ही है, मतलब ये रहा अपना जुरासिक पार्क। अब आप लोग इसमें क्या देखने को मिलेगा चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो गाइज मैं यहाँ पर जुरासिक पार्क के अंदर आ चुका हूँ और भाई यहाँ पर देखो कितने सारे डायनासोर आ चुके हैं। मतलब भाई पहले जो आप लोगों को डायनासोर देखने को मिलता था वो देखने को मिलता था आप लोगों को वेलोसिराप्टर और भाई एक टीरेक्स देखने को मिलता था, लेकिन भाई यहाँ पर देखो कितने सारे डायनासोर आ चुके हैं। भाई न्यू डायनासोर जो इस गेम के डेवलपर ने जो है ऐड कर दिए, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कितने सारे डायनासोर जो ऐड किए हैं। अब देखो गाइस यहाँ पर जो एक स्पाइनोसोरस ऐड किया है जो कि अपना करैक्टर को कुछ नहीं कहता है, मतलब कुछ मारता नहीं है अपने करैक्टर को, तो ये डायनासोर भी ऐड किया है। और भाई एक इसमें खतरनाक डायनासोर भी ऐड किया है जो कि अपने करैक्टर के साथ फाइट करता है, अभी मैं आप लोग को उसको भी दिखा देता हूँ। गाइस आप लोग इस डायनासोर को भी देख सकते हो ये कितना ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। ये डायनासोर भी गाइस आप लोगों को न्यू अपडेट में देखने को मिलने वाला है, मतलब भाई डायनासोर की बहुत ज़्यादा वैरायटी ऐड कर दी इस गेम के डेवलपर ने, मतलब मल्टीपल डायनासोर जो है आप लोगों को न्यू अपडेट में देखने को मिलने वाले हैं। तो ये था गाइस अपना अपडेट जुरासिक पार्क का। तो चलो गाइस बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट अपना अपडेट होने वाला है वो होने वाला है भाई डॉग का अपडेट। देखो गाइज अगर हम यहाँ पर 600 डायल करते हैं तो यहाँ पर गाइज डॉग स्पॉन हो जाता है अपना। तो भाई ये डॉग जो है अपने करैक्टर को फॉलो करता है, बाकी और कुछ काम नहीं होता यहाँ पर, क्योंकि जो करैक्टर है अपना ये ना तो किसी को मारता है ना काटता है, मतलब कुछ नहीं करता है। अभी देखो मैं यहाँ पर थोड़ी दूर जाऊँगा तो जो डॉग है ना अपना ये अपने इस करैक्टर को फॉलो करेगा, मतलब जहाँ अपना करैक्टर जाएगा ये वहीं आता है। तो अब क्या होने वाला है गाइज अपना जो न्यू अपडेट आएगा उसमें जो है गाइज आप लोग डॉग को चला सकते हो। जी हाँ गाइज मुझे पता है आप लोग को हंसी आने वाली होगी, अभी देखो मैं आप लोग को बता दूँ। देखो आप लोग जो यहाँ पर बाइक को भी चला सकते हो, मतलब बाइक पर बैठने का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर, देखो एंटर बटन आ जाता है। और यहाँ पर गाइज आप लोग जो है कार को भी चला सकते हो और हॉर्स को भी चला सकते हो। लेकिन भाई अब क्या होने वाला है गाइज अब जो आप लोग डॉग को भी चला सकते हो। जी हाँ गाइज यहाँ पर डॉग में बैठने का भी ऑप्शन आ चुका है। अब जा देखो यहाँ पर जो अपना करेक्टर है वो डॉग को चला रहा है और भाई ये तो चला ही रहा है। अभी देखो मैं आप लोग को एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो गाइज डॉग है ना वो किसी एनपीसी को काट भी लेता है। ये देखो गाइस यहाँ पर जो डॉग है इसने काट लिया एक एनपीसी को और भाई एनपीसी की जो है यहाँ पर डेथ हो चुकी है। यहाँ पर देखो इस डॉग ने जो है किल कर दिया इस करैक्टर को, मतलब भाई देखो डॉग कितना ज्यादा पावरफुल है, यहाँ पर एक किल भी कर देता है। तो भाई ये भी गाइस आप लोग को न्यू अपडेट में देखने को मिलने वाला है। तो भाई है ना मस्त वाला अपडेट, इस बार के अपडेट में आप लोग कितनी सारी चीजें देखने को मिलने वाली है। और अब बात कर लेते हैं पुलिस बाइक के बारे में। देखो भाई पुलिस बाइक जो इस गेम के डेवलपर इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि गाइस इसका जो अपडेट है वो आज आने वाला है, तो भाई उनके जो है टाइम नहीं है पुलिस बाइक के लिए। लेकिन हाँ वो पुलिस बाइक जो है आप लोगों के लिए न्यू अपडेट में 110% ऐड कर देंगे। जो अपना न्यू अपडेट होगा गाइस आप लोगों को जो है पुलिस बाइक भी देखने को मिल जाएगी। तो अब बात कर लेते गाइस न्यू अपडेट में और क्या आने वाला है। देखो गाइस आप सभी को पता अपने इंडियन बाइक ड्रीम स्टडी गेम जो है ये, इसमें आप लोगों को जो है आरजेस टूल में काफी सारी ट्रिक्स देखने को मिलती है। जैसे गाइस अब यहां पर मैं डायल करता हूं सेव, ये देखो गाइस यहां पर मैंने सेव लिख दिया है और अगर मैं थोड़ी दूर जाऊंगा ना तो भाई देखना यहां पर क्या मैजिक होगा। अभी देखो मैं अपने करेक्टर को लेकर जाता हूं गाइस कहां पर अपने न्यू हाउस पर, देखना क्या होगा। चलो न्यू हाउस पर नहीं, मैं यहाँ पर ही चलता हूँ थोड़ी दूर। देखो यहाँ पर आ चुका हूँ। अब आप लोग क्या करना है आप लोग वापस से आज स्टूडियो में जा रहे हैं और यहाँ पर लिख देना है लोड, मैंने लोड लिख दिया और देखो जो अपना करेक्टर है वो वापस से वहीं स्पॉन हो जाएगा जहाँ की हमने पोजिशन जो है सेव्ड की थी। तो इसका मतलब ये है गाइज अपने गेम का जो न्यू अपडेट आने वाला है उसमें जो है गाइज आप लोगों को बहुत सारी आरजेस टूल में न्यू ट्रिक्स भी देखने को मिलने वाली है। और जो ट्रिक होगी ना वो इतनी ज़्यादा जबरदस्त होगी, मतलब बहुत ही बढ़िया बढ़िया जो ट्रिक है वो इस गेम के डेवलपर ने इसमें ऐड कर दी है। तो ये सब कुछ भी गाइज आप लोगों को न्यू अपडेट में देखने को मिलने वाला है। तो देखो भाई इस बार का जो अपडेट है कितना ज़्यादा बड़ा होने वाला है। और हाँ जो अपना बीच होता है ना वहाँ पर जो वाटर है वहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस किए गए हैं, वो फोटो भी आप लोग देख सकते हो। तो ये भी गाइज आप लोगों को न्यू अपडेट में देखने को मिलने वाला है। तो भाई देखो कितनी सारी चीज़ें जो है अपने इस वाले अपडेट में आने वाली है। तो भाई अब बात कर लेते हैं अपने इंडियन बाइक ड्रीम स्टडी गेम को जो न्यू अपडेट कब आएगा और कितने बजे आएगा। तो गाइज आपसे को पता है इस गेम के डेवलपर ने बोला था इसका जो न्यू अपडेट है वो आप लोगों को फरवरी के एंड में देखने को मिलेगा, लेकिन भाई ऐसा जो है बिल्कुल नहीं हुआ है। जो फरवरी है वो निकल चुका है, इसका जो अपडेट है नहीं आया है फरवरी के एंड में भी। तो अब बात करते हैं इसका जो अपडेट है कब आएगा। तो भाई इसका जो अपडेट है गाइज वो आने वाला है 5th मार्च को, 5th मार्च मतलब आज जो है गाइज आप लोगों को इस गेम का जो न्यू अपडेट है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन कितने बजे देखने को मिलेगा चलो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। देखो गाइज सेन कुछ ऐसा है इस गेम के जो डेवलपर है वो इस गेम को ना आज अपडेट कर देंगे, मतलब गाइज आज रात तक जो है वो इसको अपडेट कर देंगे गेम को। और जो इसका अपडेट आएगा प्ले स्टोर पर वो आएगा गाइज कल तक आ जाएगा। जी हाँ गाइज इस गेम को जो अपडेट है वो आप लोग कल तक देखने को मिल जाएगा प्ले स्टोर पर। मतलब गाइज अगर आप लोग अपने फोन में सर्च करोगे इस गेम का नाम तो आप लोग को जो है गाइज कल तक अपडेट देखने को मिलेगा इसका, क्योंकि आज वो इसको प्ले स्टोर पर अपडेट करेंगे। तो प्ले स्टोर जो है थोड़ा टाइम लेता है रिव्यू करने में गेम को, तो प्ले स्टोर जो गाइज अभी थोड़ा टाइम लेगा रिव्यू करने में, चेकिंग वगैरह करता है वो, और जैसे सब कुछ ठीक हो जाता है तो प्ले स्टोर जो है इसको पब्लिश कर देगा इसके अपडेट को। तो सीन कुछ ऐसा है इस गेम को जो डेवलपर है वो आज इस गेम को अपडेट कर देंगे और कल तक जो है आप लोगों को इस गेम का न्यू अपडेट देखने को मिल जाएगा, यानी 6th मार्च तक जो है आप लोगों को इस गेम का अपडेट देखने को मिल जाएगा।
तो गाइज आई होप आप लोग पूरी बात को समझ रहे हो, अगर समझ गए तो फटाफट लाइक कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। और क्योंकि अगर सबसे पहले चीट कोड जानना चाहते हो तो अब बात कर लेते गाइज निशान जीटी आर कार का चीट कोड क्या होने वाला है। देखो गाइज मैंने आप लोगों को थार का चीट कोड बता दिया, जो न्यू थार है आप लोगों को उसका चीट कोड जो होने वाला है वो 9090 होने वाला है। और गाइज इसमें पल्सर RS 200 बाइक जो थी उसकी जगह न्यू मॉडल रिप्लेस किया जा रहा है, उसका चीट कोड जो होने वाला है 5000 होने वाला है। और भाई इसमें जो यामा R15 आती थी ना जिसका चीट कोड था अपना 0015, तो इसकी जगह गाइज न्यू मॉडल ऐड किया गया है, तो इसका चीट कोड जो रहेगा वो अपना वही रहेगा 0015। और बात करते हैं अब निशान जीटी आर कार का चीट कोड जो है क्या रहने वाला है। गाइज थार का चीट कोड अपना 9090 होने वाला है, और अब बात करते हैं निशान जीटी आर कार का क्या होने वाला है। गाइज निशान जीटी आर कार का जो चीट कोड है वो आप लोगों को तब भी बताऊंगा मैं जब इस गेम का अपडेट आएगा, क्योंकि भाई देखो मैंने आप लोगों को सभी के ऑलमोस्ट सभी के चीट कोड बता दिए, बस यहाँ पर निशान जीटी आर कार का नहीं बताया। तो इसका जो चीट कोड है गाइज मैं आप लोगों को तभी बताऊंगा जब अपने गेम का अपडेट आएगा। अब वो मैं आप लोगों को तब इसलिए बताऊंगा क्योंकि भाई जब अपडेट की वीडियो आएगी तो उसमें सही रहेगा बताना। तो इसलिए गाइज अगर निशान जीटी आर कार का सबसे पहले चीट कोड जानना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करना ना मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री कर रखा है। और जो बेल नोटिफिकेशन है ना उसको भी ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि अगर उसको ऑल पे सेट नहीं करोगे तो आप लोगों को चीट कोड जो है नहीं पता चल पाएगा। तो गाइज आज की इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला था। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी, अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए इसका जो अपडेट कब आएगा। तो गाइज आज की वीडियो बस इतना ही गाइज, मैं मिलता हूँ आप लोगों से इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए वो बाय एंड टेक केयर।